टोकियोरे चलिथिबा पारालिंपिक्स 2020 रे चमकिले ओडिया पुओ प्रमोद भगत से ब्याडमिंटनर पुरुष एकक वर्ग फाइनाल रे स्वर्ण पदक हातेइछंती। प्रथम भारतीय खेलाड़ी भाबे ओलंपिक्स किंवा पारालिंपिक्स रे स्वर्ण पदक हातेइछंती प्रमोद। 33 वर्षीय प्रमोद गोल्ड मेडल जीति रचिछंती इतिहास। फाइनाल मुकाबला रे प्रमोद ग्रेट ब्रिटेन खेलाड़ी डानियल बेठल को 2-0 रे हराई इतिहास रचिछंती। प्रथम सेट रे 21-14 और द्वितीय सेट रे 21-17 रे जीति स्वर्ण जीतिछंती ओडिया पुओ। प्रथम सेट को सहजरे जीतिथिबा प्रमोद द्वितीय सेट आरंभरु सेतटा प्रभावी प्रदर्शन करि पारिनथिले। तांको उपरे ग्रेट ब्रिटेन खेलाड़ी भारी पड़िथिले हेले प्रमोद कम बैक करथिले आउ बाजी पलटाई संघर्षपूर्ण द्वितीय सेट रे डानियल को 21-17 रे हराई इतिहास रचिथिले। झियोटी कांदी कांदी गड़ी जाउची कहुची मो देह रे छुंची फुड़ी होई जाउची मो देह थरी जाउची मते बुलेई फोपाड़ी देउची मो पिठरे किए पानी ढाली देउची। एमिति एक अभावन्य घटना देखिबा को मिलिछि केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई बजार रे। बुणी करैतिबा संदेह करी एक पूजा दुकान आगरे झियो को धरी धारणा रे बसछनि बापा ओ मा। मार्साघाई बजार निकट बनामाळी छकरे थिबा एक परिवारर नाबालिका झियो को एक पूजा दुकान मालिक गुणी गारेडी करथिबा नै परिवार लोके अभिजोग करछन्दि। गुणी हेबा परे झियोटीर देह असह्य जंत्रणा अनुभव करथिबा नै परिवार लोके कहिछन्दि। अपर पक्षरे नाबालिया देहरु बेतला न छडेबा जाय धारणारु उठिबे नै बोली नाबालिकार परिवार लोके कहिछन्दि। टोकियोरे चलिथिबा पारालिंपिक्स आयोजित अन्य एक पुरुष सिंगल्स ब्याडमिंटन प्रतियोगिता रे फाइनल को उत्तीर्ण होई भारतर कृष्ण नागर अनन्य रौप्य पदकटिए सुनिश्चित करछन्ती। सेमीफाइनाल रे से प्रतिद्वंदी खेलाड़ी ग्रेट ब्रिटेन रो कृष्णन कुमू को 21-10, 21-11 रे परास्त करछन्ती। कोर्ट नंबर 1 रे अनुष्ठित एही मैच रे कृष्ण नागर मात्र 26 मिनिट रे कुम्सक ठारु आगुआ रहिथिले। विचक्षण दक्षता प्रदर्शन करि 22 वर्षीय नागर खेलर मध्यांतर बेलकु 11-6 रे अग्रणी रहिथिले। मैचर प्रथमार्धरे मात्र 11 मिनट रे 21-10 हासिल करि से अग्रणी रहिथिबा बजाय रखिथिले। सेप्टेम्बर 30 रे पिपिल उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो। निर्वाचन कमिशन पक्षरु एक प्रेस इस्ताहार जरियारे एही घोषणा कराइछि। घोषणा अनुसार 30 रे भोट परे अक्टोबर 3 तारिख रे गणति हेबो। पिपिल उपनिर्वाचन पई आसंता 6 तारिख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो एवं 13 तारिख सुधा नामांकन पत्र दाखल करिपारिबे प्रार्थी। 14 तारिख रे नामांकन पत्र जांच करा जिवो ओ 16 नामांकन पत्र प्रत्याहार शेष तारिख रहिछि। अदालत अवमानना अपराधे दोषी सब्यस्त करी गुरुवार दिन आंध्रप्रदेश हाइकोर्ट 5 आईएएस अधिकारी को जेल और जरिमाना दंडादेश देछंती। नेलोर जिलार भेंकटचलम मंडल अंतर्गत कानपुर ग्रामर तल्लपक सवित्रमा नाम जड़े महिला दायर करथिबा अदालत अवमानना पिटिशन रो सुनानी करी अदालतंकर हृदबोध होइतला जे संपृक्त अधिकारी माने जाणीशुणी अदालतक आदेश को अवमानना करछंती। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा राजस्व विभाग तत्कालीन सचिव मनमोहन सिंह को 4 सप्ताह जेल दंड सह 1000 टंका जरिमाना, अर्थ विभाग प्रमुख सचिव एसएस रावत 1 मास जेल दंड और 2000 टंका जरिमाना देवाई अदालत निर्देश देछंती। जरिमाना न दे पारे जेल दंडादेश आउ सप्ताहे वृद्धि पाइबो। सेभली नेलोर जिलापाल रेव्यू मुत्याला राजू को 2 सप्ताह जेल और 1000 टंका जरिमाना। पूर्व नेलोर जिलार जिलापाल केएनबी चक्रधर एवं एमबी शेषगिरी बाबू को ऊपर 2000 टंका लेखाएं जरिमाना करा जायछि। जरिमाना न देले सेमानकु गोटिए सप्ताह जेल दंड भोगिबाकु पड़िबो। कविसूर्यनगर ब्लॉक अंतर्गत बुढ़ाम्ब पंचायत ठारे कविसूर्यनगर ब्लॉक ओएनएस रो विजुनता दल नवनियुक्ति कर्मकर्ता को नहीं एक सांगठनिक बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। विधायिका लतिका प्रधान उपस्थित रही नवनियुक्ति कर्मकर्ता को समाधान करने दलर संगठन को मजबूत करने परामर्श देते। कार्यक्रम में कविसूर्यनगर ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार पाढ़ी, पूर्वतन नगरपालिका लक्ष्मीप्रिया साहू, पूर्वतन अध्यक्ष मनोरंजन महापात्र, बीजेडी नगर सभापति भगवान स्वाई, कार्यकारी सभा रसल दास, जुवनेता प्रश्न नायक प्रमुख उपस्थित थिले। अफगानिस्तान 250 महिला विचारपति जीवन प्रति विपद रही सेमाने खूब भयर अच्छा दिने जो मानू से जेल दंड में दंडित करते एवं जेल रु मुक्त हो सारी। तालिबान क्षमता को आसवापर हजार हजार कैदी को मुक्त करदे। कैदी मैंने महिला विचारपति विपद होती किसी महिला विचारपति गत 2 सप्ताह मध्य देश छाड़ी बेले अन्य विचारपति मैंने देश छाड़ापी अपेक्षा कर रही। ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम 42वां प्रतिष्ठा दिवस गोपालपुर प्रांत निवास परिसर में पालित हो अवसर में आयोजित मैनेजर सतोष सामंतराय अध्यक्षत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव ओटीडीस विभाग अतिरिक्त निदेशक तथा ब्रह्मपुर पर्यटन अधिकारी रतिकांत पटनायक, सम्मानित अतिथि भाव गोपालपुर एनएससी निर्वाही अधिकारी प्राणनाथ सेठी, ब्रह्मपुर प्रेस क्लब सभा
ସଭାପତି ଗୋପାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭାରତ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାଙ୍କୁଡ଼ ଓ ବିଭାଗୀୟ ବଡ଼ବାବୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମା ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୁଡ଼ୁମି ସେନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ। ଏହି ଦିନରେ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କୁଡ଼ୁମି ଜାତି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି। କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ସରକାର ପୁନଃ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁଡ଼ୁମି ସେନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦାବି କରିଆସୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚଳିତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ 3 ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 282 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।